सऊदीया के अंदर ना पुराना है, एक डॉक्टर साहब थे, उन्होंने एक सिटी से दूसरे सिटी जाना था, एक कोने से मुल्क के दूसरे कोने में जाना था। कोई इंटरनेशनल मीटिंग हो रही थी। अब हुआ क्या, एयरपोर्ट पहुंचे हैं, बारिश शुरू हो गई, तेज बारिश शुरू हो गई, बाय एयर जाना नामुमकिन हो गया। लेकिन मीटिंग अटेंड करना जरूरी था, मीटिंग अटेंड करना जरूरी था। उन्होंने अपने ड्राइवर को कहा, जी बाय रोड चलते हैं। कैसे चलते हैं? बाय रोड सर, बाय रोड। ठीक है, चल पड़े बाय रोड, गाड़ी में बैठे। पहाड़ी इलाके में एक जगह एक औरत रहती है, बूढ़ी औरत। ठीक है, पहाड़ी इलाके में बूढ़ी औरत एक झोंपड़ी के अंदर रहती है, वो है और उसका पोता उसके साथ है, और उसका बेटा और बहू उसकी डेथ हो चुकी है। अब वो जो पोता था ना, उसको बीमारी थी कोई, और उस बीमारी का इलाज साथ वाली झोंपड़ी वालों ने बताया कि फला जो डॉक्टर है ना वो कर सकता है। उस औरत ने क्या किया, बूढ़ी माई ने क्या किया, उसने दुआ करना शुरू कर दी, उसने दुआ करना शुरू कर दी, नमाज पढ़नी, रोज उसने दुआ करते चले जाना। अब हुआ क्या, जब वो डॉक्टर साहब और ड्राइवर उस एरिया में पहुंचे हैं ना, तो तूफान तेज हो गया, तूफान तेज हो गया, गाड़ी रोकना पड़ी, और कहते जी वो जो झोंपड़ी है ना उसमें जाते हैं, पनाह लेते हैं, उसमें जाके पनाह लेते हैं। पहुंच गए वहां दोनों उतर के, बूढ़ी औरत ने अपना सारा सिलसिला सुनाया, मेरा ये पोता है, इसके माँ बाप फौत हो चुके हैं, और मैं दुआ करती हूँ कि एक डॉक्टर है कोई उसके पास, मेरे से तो पहुंच नहीं होना। तो डॉक्टर साहब क्या कहते हैं, डॉक्टर साहब की आंखों से आंसू जारी हो गए, मामा अल्लाह ने मुझे वहां भेज दिया, मैं ही वो डॉक्टर, अल्लाह ने मुझे वहां पे भेज दिया। ये दुआओं का असर है, आप लोगों की दुआएं चाहिए, आप लोगों की दुआएं चाहिए हमारे लिए, आपके बच्चों के लिए, इस स्कूल के लिए। क्यों हम लोग पीछे रह जाएं, क्यों हम लोग पीछे रह जाएं? अल्लाह ताला ने रिसोर्सेज पैदा कर दिए, अल्लाह ने वसाइल पैदा कर दिए, वो डॉक्टर चल के उसके घर पहुंच गया है। दिस इज योर पावर, ये आप लोगों की ताकत है। दिस इज वुमेन पावर, दिस इज मदर्स पावर, जो अल्लाह ने आप लोगों को दी है। सिर्फ बात क्या है, उस पावर को इस्तेमाल में लाने का, उन ताकतों को इस्तेमाल में लाने का। बाकी सब कुछ करते हैं, करते हैं, लेकिन बच्चों के मामले में हम लोग क्या करते हैं, हम कहते हैं अभी बच्चे हैं, मैं ही अल्लाह के हूं। बेस टेढ़ी हो गई, बेस खराब हो गई, ऊपर जाके बेस सीधी होनी नहीं है, इसलिए हम लोग इतना जोर दे रहे हैं इमला पे और डिक्टेशन पे। फिर बात सुन ले, इमला पे, डिक्टेशन पे, सेंटेंस मेकिंग पे जो नुसर साहब ने जोर दिया है, इसलिए कि शुरू से बेस को सीधा, शुरू से दीवार को सीधा लेके चले हम लोग। क्यों हम लोग उसमें डेंट आने दें, क्यों हम लोग उसको टेढ़ा होने दें, जब हम लोग मौजूद हैं, जब हम लोग मौजूद हैं, और अल्लाह ने हमें पढ़े लिखा बनाया है, अल्लाह ने हमें सलाहियतें भी दी हैं। आज की जो नशिस्त थी, बेसिकली इसका मौजू ये था कि हम बच्चों को बेहतर कैसे बना सकते हैं, बच्चों की तालीम को, उनके करेक्टर को, उनकी इंटेलिजेंस को, उनकी लीडरशिप को इम्प्रूव कैसे किया जा सकता है। इस काम के लिए हम लोग सारे यहाँ इकट्ठे हुए थे, और
बामकसद तरीके से हम लोगों ने अपना पॉइंट ऑफ व्यू आप लोगों तक कन्वे करने की कोशिश की है। देन सजदा करते हैं, सजदा करते हैं, सारी लोग करते हैं, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। सजदे में आप सरगोशी करते हो किधर जाके, फर्श पे। सजदे में आप सरगोशी करते हो, बात कन्वे करते हो किसको, अल्लाह ताला। फर्श पे किए जाने वाली सरगोशी उसकी गूंज कहां तक पहुंचती है, अर्श तक, उसकी गूंज अर्श तक पहुंचती है। और ये हमारी तरफ से सजदा शुक्र होना चाहिए। सारे लोग जाके दो दो नफल पढ़े पहले अपने बच्चों के लिए, अपने बच्चों के। अल्लाह ताला जिस मकसद के लिए आज हम लोग इकट्ठे हुए थे, जिस काम के लिए, जिस मिशन को, जिस डिवीजन इम्प्रूवमेंट के लिए हम लोग इकट्ठे हुए थे, उसके लिए हमें हिम्मत देना, उसके लिए हमें ताकत देना, उसके लिए हमारे अंदर जुरत हौसला पैदा करना। थैंक यू। हमारे बच्चों पर, हमारे बुजुर्गों पर,
तौफीक अता फरमा। या अल्लाह उसको हमारी जन्नत में जाने का जरिया बना। या अल्लाह हमारे बच्चों के जरिए से हमारी बख्शिश फरमा। या अल्लाह हमारी नीयतों में खलूस अता फरमा। या अल्लाह हमारे आमाल में बरकत अता फरमा। रब्बना तक़बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। सल्लल्लाहु तआला अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व आलिही व सहबिही।